जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान से बंगाल में कंपनी का शासन व्यवस्था के जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर का अध्ययन करवाया जाएगा, जो बिहार पुलिस बीपीएससी बीएसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चले आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का सवाल है, अंतिम मुगल बादशाहों के शासनकाल में किन प्रांतों के सूबेदार ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए? हैदराबाद, बंगाल और अवध के। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बंगाल प्रांतों की स्थापना कब की गई? 1733 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740 ईस्वी में। अलीवर्दी खां मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756 ईस्वी में। सिराजुद्दौला के बचपन का नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद। अगला प्रश्न, इसके माता का नाम क्या था? अमीना बेगम। बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 10 जून 1757 ईस्वी को। पलासी के युद्ध में किसकी हार हुई? सिराजुद्दौला की। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी थी? मीर जाफर के पुत्र मीरान ने। अगला प्रश्न, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? मीर जाफर को। अगला प्रश्न, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया गया? 1760 में। अगला सवाल, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच उदवानाला का युद्ध कब हुआ? 1763 ईस्वी को मीर कासिम की हार। अगला प्रश्न, मीर कासिम को हटाकर पुनः दोबारा बंगाल का नवाब अंग्रेजों किसे नियुक्त किया? मीर जाफर को। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध किन तीन शक्तियों ने भाग लिया? मीर कासिम, अवध का सिराजुद्दौला और दिल्ली के शासन शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न, किस युद्ध के कारण अंग्रेज बंगाल का वास्तविक शासन बन गया? बक्सर युद्ध के कारण। इसी तरह के अनोखे एवं रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।